क्या होता है ना कि हम जिस भी स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करते हैं उसके एग्जिस्टेंस पर सवाल करने लगते हैं। हम लाइफ के इतने बुरे फेज से गुजर रहे होते हैं, हमारी लाइफ के हार्डशिप्स जो चल रही होती हैं उस फेज में हम कई बार इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं, स्टेज पर पहुंच जाते हैं और ये क्वेश्चन करने लगते हैं ऊपर वाला है भी कि नहीं है, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। अंदर से झुंझलाहट, गुस्सा ये सवाल के रूप में बाहर आ रहा होता है जब हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। ऐसे में गीता क्या कहती है, कैसे आपकी हेल्प करती है, चलिए बताती हूँ। ये है गीता अनप्लग्ड, मैं मानसी हूँ आपके साथ और एबीपी लाइव पॉडकास्ट्स। रोजाना आपके साथ शेयर करती हूँ गीता का एक श्लोक, उसका मीनिंग, जो बताता है कि लाइफ को थोड़ा सिंपल कैसे बनाया जाए। भाई सबकी लाइफ बहुत बिजी, बहुत केओटिक चल रही है, हाउ टू मेक इट ईजी गोइंग, ये गीता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का श्लोक जो मैंने पढ़ा है वो है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चमै पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स चमेन प्रणश्यति। संस्कृत का तो हो गया, अब बारी आती है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इंग्लिश में ये श्लोक कहता है, He who sees me everywhere and sees all in me, to him I do not get lost, nor does he get lost to me। अब बारी हिंदी ट्रांसलेशन की, जो कि बड़ा सिंपल है। कोई हमें दुख पहुंचाता है ना, जब कोई हमें हर्ट करता है, तब मन नेचुरली इमोशनली होकर हमें जिसने हर्ट किया होता है ना उसके लिए नफरत, हेटरेड, एंगर, गुस्सा, ऐसे इमोशंस जगाता है। अगर हम मन को ऐसा करने की परमिशन देते हैं तब हमारा मन स्पिरिचुअलिटी से तो दूर भाग जाता है। इसकी जगह अगर हम अपने मन में ये थॉट लाएं कि जो भी हो रहा है ना वो उसकी मर्जी से हो रहा है और ये बुरा भी किसी अच्छे रीजन के लिए हो रहा है, तब आप नेगेटिव थॉट्स किसी के लिए नहीं लाओगे, ना अपने लिए ना सामने वाले के लिए। इट्स लाइक अ टेस्ट, अगर आप ऊपर वाले में बिलीव करते हो तो वो देख रहा है कि कितना पेशेंस है आपके अंदर। जब ऐसा सोचोगे तब ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचने लगोगे। सो ये श्लोक कहता है कि जब भी कभी एग्जिस्टेंस पर ऊपर वाले की, सुपर नेचुरल पावर की, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, अगर एग्जिस्टेंस पर सवाल हो तो याद रखो कि आपके आसपास हर जगह छोटी से बड़ी चीज़ में भी वो पावर, वो शक्ति है, वो हर जगह है। ये नज़रिया आपको शांत काम रखता है एंड यू विल रिस्पॉन्ड टू द बैड सिचुएशन इन अ राइट वे। गीता अनप्लग्ड में आज इतना ही, मुलाकात आपसे कल फिर करेंगे एक नए श्लोक के साथ, उसका मीनिंग बताएंगे ताकि आपकी और हमारी दोनों की लाइफ रहे एकदम सिंपल, एकदम ईजी गोइंग। मैं मानसी हूँ आपके साथ on ABP Live Podcasts।